अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। डीवाई पाटिल स्टेडियम में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। नेरुल में 6 मार्च तक रोज खेलेंगे देश के दिग्गज क्रिकेटर। नवीन भाई नेरुल के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज से 16वें डीवाई पाटिल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई। आयोजक एवं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाटिल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 6 मार्च को फाइनल टूर्नामेंट होगा। इसमें रिलायंस, डीवाई पाटिल, इनकम टैक्स, कनारा बैंक समेत अलग अलग कारपोरेट टीमों से हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, शिखर धवन, महेश पांडे, रुचित गायकवाड़ समेत देश भर के तमाम दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवीनभाई करों के लिए यह क्रिकेट टूर्नामेंट एक सेलिब्रेशन है, जहां वे अपने मनचाहे खिलाड़ियों के प्रदर्शन और क्रिकेट रोमांच का आनंद ले सकेंगे। इस दौरान क्रिकेटर अभय कुरुविला भी मौजूद थे। अतिशय चांगल्या खेळाडूंची टीम लिस्ट त्यांनी आम्हाला पाठवली होता, तर म्हणून अजून एक 8 टीमसाठी आम्ही क्वालिफायर्स कंडक्ट केली इथे आणि त्याच्यातून अजून 2 टीम्स क्वालिफाय झाल्या आणि ह्या टूर्नामेंटची सुरुवात ही आता आज सुरुवात झालेली आहे आणि फायनली या टूर्नामेंटचा 7 तारखेला घेतली। आता जी टीम लिस्ट आमच्याबरोबर जे आता प्रिलिमिनरी शेअर झालेली आहे, त्या रिलायन्समधून शिखर धवन आहेत, हार्दिक पांड्या आहेत, BPCLमधून शिवम दुबे असतील, सूर्यकुमार यादव असेल, श्रेयस अय्यर असतील किंवा मनीष पांडे असतील। तर जर आपण प्रत्येक टीमकडे बघितलं तर अनेक चांगले चांगले खेळाडू या टीमला रिप्रेझेंट करतात आणि जसं नॉकआउट स्टेजमध्ये टूर्नामेंट येईल तेव्हा तुम्हाला अतिशय चांगल्या दर्जाचे खेळाडू तुम्हाला इथे बघायला मिळतील। तो यदि आप भी T20 क्रिकेट को पसंद करते हैं और अपने फेवरेट क्रिकेटर को अपने शहर नवी मुंबई में खेलते हुए देखना चाहते हैं तो डीवाई पाटिल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को देखना ना भूलें। याद रखें, यह टूर्नामेंट नवी मुंबई करों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए पूरी तरह फ्री रखा गया है, इसलिए इसका आनंद उठाना ना भूलें। मैं यही कहूंगा कि ये सेलिब्रेशन होने वाला है क्रिकेट का, बहुत अच्छे क्वालिटी के प्लेयर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। T20 का फॉर्मेट के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि कितना एक्साइटिंग फॉर्मेट है और हमारे स्टेडियम में, ये स्टेडियम में क्रिकेट का अनुभव एक अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पे और क्वालिटी प्लेयर्स जो हमें IPL में देखने मिलते हैं तो ऐसे खिलाड़ी यहाँ पे खेलने वाले हैं। तो मेरा यही आग्रह होगा हर सब दर्शक वर्ग को या नवी मुंबई को कि ये नवी मुंबई की टूर्नामेंट है, पिछले 16 साल से ये टूर्नामेंट यहाँ पे चल रही है तो उसका आनंद उठाए और एक अपॉर्चुनिटी है अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को उनका खेल उनकी प्रतिभा देखने को। सचिन तेंदुलकर हैज सेट अप द तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल अकेडमी एट अ फैसिलिटी है, सो ही इज बीन ऑलवेज इनकरेजिंग मी इन व्हाटएवर आई हैव डन इन द क्रिकेटिंग स्फीयर, सो आई एम होपिंग दैट ही विल बी देयर ऑन वन ऑफ दिस डेज। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।